तुम्हारे जो डाउट्स, हम अपनी शीट भेज देना, तुम अपनी शीट भेज देना, हम उससे भी बता देते, ठीक है ना, अपने ग्रुप पे दे देना, तो अपन हम लोग करेंगे इसको ना जूल्स में करो, की पार थ्री ये हो गया किलो जूल से जूल्स में कितने फोटोन, तो पर मोल के लिए था, तो भाई ये इजी ये एक फोटोन का एनर्जी है, ठीक है ना, लिखूंगा 6.023 इंटू 10 की पावर 23, एच का वैल्यू अपन को पता है, एच न्यू लिख लेते हैं, अब न्यू पूछे तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ऑलमोस्ट 40 के बराबर आ रहा है, इसको 50 ले लेते हैं, 495.5 है ना, तो 500 कर देते हैं, ये 40 के बराबर आ रहा है और आर ही बचे हुए हैं, इसको ऊपर लेके जाते हैं तो माइनस हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 20 होगा तो 14, मतलब 10 की पावर 14 में आंसर, 10 की पावर 14 तो वो थोड़ा सा ज्यादा बढ़ जाएगा, बता दे, तो आंसर विल बी, तो अपन इसको कर लेंगे, वो 4. समथिंग ऐसे आंसर आ जाएगा, 7.6 10 की पावर 14 में है अपने पास आंसर, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9, तो 9 की बात कर लेते हैं, 9th वाले में गिवन है अपन को द टेंपरेचर, एट टेंपरेचर टी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज 3/2 kT, ठीक है, द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ द पार्टिकल इज, हमें क्या फर्क पड़ता है, डी ब्रोगली वेवलेंथ तो अपन ऐसे लिखेंगे, होता है ना, एमवी को काइनेटिक एनर्जी जैसे अज्यूम कर सकते, तो जिसका मास ज्यादा होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी, जिसका मास ज्यादा होगा उसका काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा, जिसका काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा उसकी वेवलेंथ कम होगी, हो गया क्वेश्चन, तो चलो देखते हैं, थर्मल विजिबल हमें कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, न फिर इलेक्ट्रॉन फिर फोटॉन, हो गया, तो द डी ब्रोगली वेवलेंथ विल बी इन द ऑर्डर ऑफ, पहले अब मास सबसे ज्यादा किसका था, न्यूट्रॉन का, तो उसकी वेवलेंथ सबसे कम हो जाएगी, मतलब सबसे ज्यादा वेवलेंथ फोटॉन का, फिर इलेक्ट्रॉन का, फिर न्यूट्रॉन का, आंसर इज 4. क्वेश्चन नंबर 12 में आपने पूछा है, इफ द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ द लाइमन सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम इज ए, ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 12 में आपने कहा है, इफ द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, तो 1/λ इज इक्वल टू होता है RH इंटू जेड स्क्वायर इंटू 1/ लोअर शेल का स्क्वायर माइनस 1/ हायर शेल का स्क्वायर, व्हाट डू मीन बाय शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का मतलब है अगर वेवलेंथ छोटा होगा तो एनर्जी डिफरेंस सबसे ज्यादा होगा, सो लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी, वी नो दैट सी बाय लैम्डा ना, अपन बता सकते हैं, वी नो दैट इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा,
अगर को वेवलेंथ आपको शॉर्टेस्ट चाहिए तो एनर्जी डिफरेंस सबसे ज्यादा चाहिए, और एनर्जी डिफरेंस कब होता है सबसे ज्यादा, जब एन वन का वैल्यू वन हो जाए और एन टू का वैल्यू इन्फिनिटी हो जाए. सो आई गॉट दिस एज आर एच एन टू जेड स्क्वायर. जेड तो वन होगा हाइड्रोजन एटम के लिए, है ना, वी आर गिवन दैट ना, हाइड्रोजन एटम. और इसमें ये क्या आएगा अपने पास, वन अपॉन वन स्क्वायर, इट इज अ लाइमन सीरीज ना. यस लाइमन सीरीज, ओके. सो व्हाट वी गेट इज, ये तो वन हो गया, देयरफॉर आई विल राइट दैट इसमें वन अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू आर एच, देयरफॉर लैम्डा विल बी इक्वल टू वन अपॉन आर एच. सो वन अपॉन आर एच के लिए मुझे ए गिवन है, दिस इज गिवन टू मी, ये मुझे गिवन है, वन अपॉन आर एच इज इक्वल टू ए. अब वो क्या बोल रहे हैं, द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन द पास्चन सीरीज इज, नाउ द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन द पास्चन सीरीज, अपन यहां लिख लेते हैं भाई. तो पास्चन सीरीज में लॉन्गेस्ट वेवलेंथ वन अपॉन लेमडा इज इक्वल टू आर एच, जेड का वैल्यू वन है सो वन स्क्वायर कर दिया मैंने, और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ पास्चन सीरीज का मतलब हो गया लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पास्चन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, फंड सीरीज, मतलब थ्री वाला बता रहे हैं, लाइमन, बाल्मर और पास्चन, पास्चन मतलब थ्री. तो एन वन का वैल्यू पास्चन के लिए थ्री होता है हमेशा, और लॉन्गेस्ट चाहिए तो फोर स्क्वायर कर लो, शॉर्टेस्ट चाहिए तो एन टू का वैल्यू इन्फिनिटी, लॉन्गेस्ट चाहिए तो एन टू का वैल्यू नेक्स्ट शेल. समझ में आया, किसी को डाउट है? तो अपन क्या करेंगे, वन अपॉन लैम्डा अब अपन को गिवन है, आर एच इन टू करते हैं अपन, दैट इज फोर का स्क्वायर मतलब 16 माइनस 9, सो 16 माइनस 9 डिवाइडेड बाय दैट इज 9 इंटू 4 ना, दिस विल बी 9 इंटू 16, ये आ रहा है मेरे पास. इसमें अपन लैम्डा कैलकुलेट करेंगे, सो वन अपॉन लैम्डा विल बी इक्वल टू, so I can write that 1 upon lambda will be equal to what, that will be RH into 16 minus 9 means we get 7 na? Divided by that is 9 into 16 so 150, 144. ठीक है भाई, तो चलो देखते हैं क्या given है. बिल्कुल, the longest wavelength in the Paschen series, अच्छा helium था, अपन ने Z1 क्यों लिया, ये तो ऐसे है फोर, वही मैं सोच रहा हूँ कि कुछ तो गड़बड़ कर दिया, फोर होगा ना तो अपन इसको ऐसे कर लेते, रियल मल्टीप्लाई कर लेता तो ये फोर आ जाएगा, तो मेरा आंसर आ गया ये 7 डिवाइडेड बाय 36. अब अपन लैम्डा लिखेंगे दैट विल बी इक्वल टू 36 डिवाइडेड बाय आर एच इंटू 7 और 7 आर एच लिख देता हूँ. लो भाई हो गया, वन अपॉन आर एच इज गिवन टू मी कितना, ए, so 36 a divided by 7 मेरे पास आंसर आ रहा है, ये लो आपका आंसर आ गया, that is the answer, okay. क्वेश्चन नंबर 12 के बाद आपने पूछा था, that is, अब मैं इसको हटा लेता हूँ. क्वेश्चन नंबर 12 के बाद आपने पूछा 17, ठीक है भाई 17 बता देता हूँ क्या है, बट ये सारा पार्ट अपने क्लास में डिस्कस किया हुआ है. 17th वाले में गिवन है तुमको, फॉर एमिशन ऑफ द लाइन एटॉमिक स्पेक्ट्रम n1 इज इक्वल n इनिशियल इज इक्वल टू 8 n फाइनल इज इक्वल टू n, प्लॉट द वेव नंबर वर्सेस 1 अपॉन n स्क्वायर. ठीक भाई, वी नो दैट ये लैम्डा लिखा था अपने पास क्वेश्चन नंबर 17 के लिए, 1 upon lambda is equal to होता है RH into Z square into 1 upon N1 square minus 1 upon N2 square. आप उसे कहोगे कि भाई इसको ना ये वेव नंबर होता है, ये RH है, Z तो कांस्टेंट होता है, तो इसको आपने लिया 8, ठीक है, इसको आपने लिया 8, Z is equal to 1 square हो गया. The emission line, the atomic spectrum initial is 8, 1 upon 8 square. और n का वैल्यू हो गया 1 upon n square. ये हो गया.
अब आप क्या करोगे, इसको मल्टीप्लाई करोगे, तो आप लिखोगे इसको वेव नंबर इज इक्वल टू, क्योंकि ये तो कांस्टेंट हो जाएगा, सो आर एच बाय 64, ये 64 आ जाएगा, ठीक है ना। और आर एच ऐसे ही रहने देते हैं अपन, ये सारा पार्ट ही, क्योंकि ये तो कांस्टेंट हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आप ऐसे लिखोगे ना 1/64 इंटू माइनस आर एच बाय 1/n2 एन स्क्वायर। अब अपन तो एक बात पता था, ठीक है ना, कि भाई इस 64, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे भाई ठीक है, इसको ना दिस वर्सेस दिस, तो अपन सबका पता है ना स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला, mx + c, है ना, पता है ना अपन को mx + c ऐसे। तो अपन क्या करेंगे, ये सारा ही पार्ट कांस्टेंट है, तो मैं इसको क्या ले लेता हूं, कांस्टेंट है ना, ये आर एच भी कांस्टेंट है, 64 भी कांस्टेंट है, और इसको वाई एक्सिस पे ले लेता हूं माइनस। आपने कहा इसमें और इसमें ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ये सी हो गया, तो ये तो कांस्टेंट रहता है। तो अपन क्या करेंगे, यहां पर जो एम एक्स होगा ना, एम एक्स ये आपने एक्स ले रखा है, तो m क्या हो जाएगा आपका, rh हो जाएगा, दोनों ही नेगेटिव है ना, माइनस m इज इक्वल टू माइनस rh, और इसमें जो m होता है उसको कहते हैं अपन स्लोप। लो भाई आपका आंसर आ गया, गॉट अ स्लोप। तो अपन कहेंगे भाई y इक्वल टू mx प्लस c होना चाहिए, क्योंकि फॉर्मूला तो है, अब c को पहले लिखो या mx को बाद में लिखो क्या फर्क पड़ता है आपको। तो अपन कहेंगे ये स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला होगा, ये स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला होता है, तो इसमें m का वैल्यू, क्योंकि ये तो 1/n2^6, तो स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, y इक्वल टू mx प्लस c है, ये c पार्ट है, ये mx है, लेकिन इसमें 1/n2 = x, तो m का वैल्यू जो होगा वो माइनस आर एच होगा, दैट इज कॉल्ड स्लोप। तो अपन को पता चल गया भाई एम एस स्लोप दैट इज माइनस आर एच, ये लो आंसर आ गया, राइट। दूसरा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के बाद 20 भी पूछा है, ठीक है 20 देख लेते हैं। 20 में द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ अ हाइड्रोजन एटम इज दिस, द एनर्जी ऑफ द सेकंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ हीलियम आयन, ठीक। पर ग्राउंड स्टेट की एनर्जी कुछ भी लिखो आप, लेकिन हीलियम आयन में अगर मुझे सेकंड एक्साइटेड स्टेट लिखना है, दिस इज अ हीलियम आयन 1, 2, 3, ये इसका फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है, ये इसका सेकंड एक्साइटेड स्टेट है, और अगर थर्ड शेल का एनर्जी बताना है तो एनर्जी विल बी इक्वल टू -13.6 इनटू Z2 बाय N2 होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बता देंगे भाई, Z आपको 2 गिवन है और N आपको 3 गिवन है, सो दैट एनर्जी विल बी इक्वल टू, अगर ये 2 गिवन है तो मैं यहां लिख देता हूं, दैट एनर्जी विल बी इक्वल टू -13.6, Z आपको 2 गिवन है बिकॉज हीलियम है, और N आपको 3 गिवन है, सो यू विल राइट दैट 4/9, सो विल से दैट -13.6 इंटू 4/9, ये लो आपका आंसर आ गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एवरीबडी गॉट इट। 20 के बाद 21 भी पूछा है, 22 भी पूछा है, ठीक है भाई 21 लिख लेते हैं। पर व्हाट इज 21, व्हाट इज 22, ये देख लेते हैं। सो 21 और 22 देखते हैं, पर कैसे क्या करना है आपको। 21 इज हीट ट्रीटमेंट ऑफ मस्कुलर पेन इन्वॉल्व्स रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ दिस मच, मतलब जैसे वो आपने मसाज मशीन देखा होगा ना, वो कभी कभी रखा होता है कहीं कहीं मसाज मशीन रखा हुआ है, तो उसमें ना रेडिएशंस बाहर निकलते हैं, गर्म रेडिएशंस, तो मसल पेन को हीट करके वो उस पेन को कम कर देता है। तो वो कहते हैं कि भाई देखो, हीट ट्रीटमेंट ऑफ मस्कुलर पेन इन्वॉल्व्स रेडिएशंस ऑफ वेवलेंथ 900 नैनोमीटर्स, ठीक है, मुझे वेवलेंथ गिवन है। क्वेश्चन नंबर 21, सो लैम्डा इज 900 नैनोमीटर्स, व्हिच स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ द हाइड्रोजन एटम इज सूटेबल फॉर दिस पर्पस, वो कह रहा है कि कौन सा स्पेक्ट्रल लाइन इसके लिए करेक्ट होगा, ठीक है भाई। तो अपन लिख देंगे विच स्पेक्ट्रल लाइन विल बी सूटेबल फॉर दिस पर्पस, तो विल राइट दैट 1/λ विल बी इक्वल टू,
अगर मुझे 900 नैनोमीटर चाहिए तो वी कैन राइट लाइक दिस, आर एच इन टू हाइड्रोजन एटम, सो वन स्क्वायर वन अपॉन एन वन स्क्वायर माइनस वन अपॉन एन टू स्क्वायर। अपन क्या करेंगे, पहले इसका एक इक्वेशन बना लेंगे ऐसे, दैट इज अपने पास क्या गिवन है, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं कि इसमें वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे, क्योंकि अपने पास चार ही ऑप्शन है। अपन और कोई मेथड से सॉल्व करेंगे तो अच्छा मेथड नहीं होगा, बेटर है कि इनको सब्स्टिट्यूट करके आप लैम्डा कैलकुलेट कर लो, 900 आ रहा है योर आंसर इधर। या फिर अपन क्या कर सकते हैं, अपन क्या करेंगे इसमें, क्योंकि एन का वैल्यू कभी फ्रैक्शन तो हो नहीं सकता, तो चलो चेक कर लेते हैं, ये वन अपन लैम्डा है, वन अपन लैम्डा मीन्स 900 नैनोमीटर्स। नैनोमीटर्स को अपन लिखेंगे तो 10 की पावर माइनस, ये मीटर्स में लेंगे अपन, तो इसको भी मीटर्स में लेते हैं, 10 की पावर माइनस 9 मीटर्स। आर एच का वैल्यू हो गया अपने पास 1.07, दैट इज 109 होता है, तो 1.1 इंटू नियरली लिख लेते हैं अपन 10 की पावर, दैट इज 7। सो आई विल राइट दिस एज, इट वन हो गया, 1 अपॉन 1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ये एन वन स्क्वायर एन टू स्क्वायर। अपन छोटा सा पार्ट इसको कन्वर्ट कर लेते हैं ताकि फिर हमारा जल्दी से आंसर आ जाएगा। ये 10 की पावर 9 को ऊपर लेके जाऊंगा तो अपन 10 की पावर 9 कर लेंगे, ये 100 हो गया क्योंकि मैंने ये कैंसिल कर दिया। तो अपन क्या करते हैं, अब ये 100 बचा मेरे पास, तो ये ना ऐसे हो गया, तो 1/9 आ गया मेरे पास। 1/9 इज ऑलमोस्ट इक्वल टू, ये 1.09 था तो 1.1 और 1 अपॉन एन वन स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन टू। चलो पर ऑप्शन में देखते हैं कि किस केस में ये वैल्यू 1/9 आ रहा है, इसको तो नेग्लिजिबली अज्यूम कर लो, 1 × 10^9 हो सकता है उन्होंने लिखा हो कि आप ये अज्यूम कर लेना। देखो उन्होंने दिया हुआ भी है कि आप आर एच को 1 ले लो, अपना काम हो गया, इसलिए मैंने कहा कि हो सकता है उन्होंने दिया ही हो कि आप इसे 1 ले लो, ये तो कैंसिल हो गया। 1/9 बताओ किस ऑप्शन में 1/9 आएगा, ये 3 हो जाए और ये इन्फिनिटी हो जाए, क्योंकि इन्फिनिटी होगा तो ये 0 हो जाएगा। देखो किसी में 3 गिवन है क्या, अपन को पहले वाले में गिवन है, हो गया अपना काम है ना, सो अपना काम हो गया, वी गॉट दैट। दूसरा है क्वेश्चन नंबर 22 है ना, तो ऑप्शन पहला वाला ही आ गया अपने पास। क्वेश्चन नंबर 22 में अपन पढ़ेंगे ना तो वी गेट लाइक दिस, 22 द डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द फोटो इलेक्ट्रॉन वेरीज विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, नियर नॉट इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। डी ब्रॉगली वेवलेंथ पूछा है, काइनेटिक एनर्जी से कोरिलेट कर दें। अपन क्या करेंगे, उसने देखो अपन को क्या लिखा है, फोटो इलेक्ट्रॉन्स मतलब अगेन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है ना, भाई आप लिख रहे हो ना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को अपन कैसे लिखते हैं, तो अपन को पता है ना, अभी तो बताया था आपने ई टोटल इज इक्वल टू ई नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी, बताया था ना अपन को। तो अपन क्या करेंगे, इसको एच न्यू ले लेते हैं बिकॉज इसको एच न्यू नॉट और प्लस काइनेटिक एनर्जी को हाफ है, ये तो अपन को पता है, ये तो ले ही लेते हैं ऐसे। अब उसने क्वेश्चन में अपन से क्या बोला है कि डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द फोटो इलेक्ट्रॉन पूछा है, अच्छा अच्छा तो ये काइनेटिक एनर्जी था। अब अगर इनका डी ब्रोगली वेवलेंथ अपन को बताना है तो अपन क्या करेंगे, भाई लैम्डा ऐसे लिख लें, एम वी कर देते हैं, तो एम वी इज इक्वल टू एच अपॉन लैम्डा, स्क्वायर कर लेते हैं, 1/2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो हाफ एम वी स्क्वायर क्या आ जाएगा अपने पास, इधर एक एम इधर लेके आ जाते हैं, एक्स स्क्वायर अपॉन लैम्डा स्क्वायर है ना, क्योंकि ये एक एम इधर लेके आएंगे अपन, सो ये वाला 2 पहले लिखा मैंने, फिर लैम्डा स्क्वायर लिखा मैंने, फिर एम लिखा, ये आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी की जगह। तो अपन क्या करते हैं, काइनेटिक एनर्जी की जगह वेवलेंथ लिख लेते हैं। वैसे उसने पूछा क्या था अपन से, उसने तो अपन से बड़ा इजी पूछा है, उसने तो प्रोपोर्शनलिटी लिखा हुआ है, अपन को पता है एम वी तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेवलेंथ से, तो अपन तो सीधे ही बता सकते थे एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर है जो वेवलेंथ से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा,
इधर इतना सारा नहीं लिखना पड़ता फिर अपन को, तो अपन कहते हैं एच स्क्वायर अपॉन टू लेमडा एम लेमडा स्क्वायर। अभी तो अपन ने ये लिख लिया, चलो भाई कोई बात नहीं, तो अपन लेमडा स्क्वायर को इधर लेके जाते हैं, तो लेमडा स्क्वायर विल बी इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन टू एम। एक एच को बाहर ले लेंगे अपन, तो ये आ जाएगा अपने पास वन अपॉन एच नॉट माइनस, ये नॉट नहीं आएगा दोनों है, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, ये आ गया अपने पास, समझ में आया ना। अब आप लेमडा कैलकुलेट कर सकते हो, तो अपन क्या करेंगे लेमडा के लिए, अपन कहेंगे भाई जो लेमडा अपन को गिवन है उसमें क्या करोगे आप, भाई ये तो सारा कांस्टेंट है, एच को बाहर निकाल देते हैं, एच को बाहर निकालेंगे तो एक एच तो कैंसिल हो जाएगा, वैसे भी वो कांस्टेंट है, तो अपने पास आंसर क्या आ जाएगा, अपन कहेंगे भाई लेमडा स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन टू एम और एच इंटू वन अपॉन न्यू माइनस न्यू नॉट, ये आ जाएगा, एक एच कैंसिल कर दिया अपन ने, लेकिन ये पार्ट तो कांस्टेंट है इसलिए उसको लेने की जरूरत नहीं, आप सीधा लिखो क्योंकि प्रोपोर्शनलिटी में गिवन है अपन को आंसर, तो वन अपॉन अंडर रूट ऑफ न्यू माइनस न्यू नॉट, और अंडर रूट को अपन क्या लिख सकते हैं वन बाई टू, ये लो भाई हो गया अपना आंसर, दैट इज व्हाट हैज बीन आस्क्ड। तो ये 22 हो गया, अब अपन 26 देखते हैं क्या है, 26 वाला होगा, ठीक है भाई। 26 में अपन को गिवन है P is the momentum of fastest electron ejected from the metal surface. Again, आपने वही इसी टाइप के क्वेश्चन को पूछा है ना, आपने अभी काइनेटिक एनर्जी दिया था जिसमें डी ब्रोगली वेवलेंथ पूछा, अभी आपने मोमेंटम दिया, मतलब एच अपॉन एम वी को क्या लिख दूंगा P, ठीक है भाई, ठीक है। ejected from the metal surface after the irradiation of light of wavelength lambda. Then for 1.5 momentum of photoelectron, the wavelength of the light should be, ठीक है भाई, तो अगर 1.5 momentum चाहिए तो wavelength कितना होना चाहिए, ठीक है, अपन कहेंगे भाई lambda is equal to h upon p होता है, ठीक है। So p is the momentum of fastest electron of a radiation light of wavelength is equal to lambda. अगर मुझे इस लेमडा को राइट ना, अगर मुझे क्या करना है, दैट इज 1.5 चाहिए, तो दे आर टेलिंग देन फॉर 1.5 मोमेंटम द फोटो इलेक्ट्रॉन द वेवलेंथ शुड बी इक्वल टू, अगर मुझे ये 1.5 चाहिए, लेमडा इज इक्वल टू ये लेमडा वन, लेमडा हो गया, ये लेमडा वन कर लेता हूं, एच अपॉन 1.5p चाहिए, 1.5p का मतलब 3/2 हो गया, तो 3/2 का मतलब 2/3 कर देते हैं, है ना, तो द वेवलेंथ ऑफ द लाइट शुड बी, तो वेवलेंथ कितना होना चाहिए तो बता देते हैं भाई, ये एच बाई पी इज इक्वल टू लेमडा हो गया, तो इसमें लेमडा वन विल बी इक्वल टू लेमडा ही रखते हैं, क्या फर्क पड़ेगा अपन को, एच अपन 3/2 का मतलब 2/3p, तो एच बाई पी क्या है लेमडा, सो लेमडा विल बी इक्वल टू, ये लेमडा वन ही रखते हैं, वन विल बी इक्वल टू एच अपॉन पी ना, सो 2/3 ऑफ लेमडा ये हो जाना चाहिए भाई, ये बात हो गया अपना, इसमें तो कुछ था ही। 26 के बाद 30 पूछा आपने, ठीक है 30 देखते हैं, द रेशियो ऑफ द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, शॉर्टेस्ट मतलब मैक्सिमम एनर्जी डिफरेंस, the ratio of the shortest wavelength of the two spectral series of hydrogen atom is found to be 9, the spectral series are, Lyman or question le lo, Lyman or question le lo, bhai Lyman ke liye shortest kya aa jayega, 1 upon lambda is equal to ho jayega rh into z square, 1 upon 1 square minus 1 upon infinity square, this is for Lyman, एंड फॉर पैशन क्या आ जाएगा, वन अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू आर एच एन टू जेड स्क्वायर, वन अपॉन थ्री स्क्वायर माइनस वन अपॉन इंफिनिटी स्क्वायर, ये लो भाई, तो रेशियो क्या आ जाएगा, नाइन और वन का रेशियो इसी में आ सकता है, हो गया, आई थिंक दैट इज ऑल जो क्वेश्चंस आपने पूछे थे, इसके अलावा कुछ और क्वेश्चंस है तो बताओ,
किसी ने अगर सॉल्व किया है तो, और जिसने सॉल्व नहीं किया है वो भी सॉल्व करके बाद में पूछ सकते हैं, ठीक है? वो भी सॉल्व करके बाद में पूछ सकता है। हो गया? तो फिर हम ये तो अपने ग्रुप में था, मतलब जो भी अपन ने ये भेजा है, जो मैं पढ़ रहा था, ये तो अपने ग्रुप में पढ़ा हुआ है ना, तो अपने ग्रुप में था ना, मैंने पहले भेजा होगा तभी ग्रुप में है वो, काफी पहले मैंने अपने ग्रुप में भेजा था, ये फिर से भेज देता हूँ अपने ग्रुप में अगर किसी को चाहिए तो। ट्वेंटी सेवेंथ अगस्त को भेजा था मैंने। अब बताओ किसी को कुछ और पूछना है तो। ग्राफ वाला पार्ट अपन को समझ में आया? जो मैंने कल ग्राफ वाला पार्ट पढ़ा वो समझ में आया? ठीक है, ओके। तो अभी एटॉमिक स्ट्रक्चर में कोई पार्ट ऐसा जिसको, मतलब जिसमें आपको लगता है कि आपको थोड़ा समझ में कम आया है, इस टाइप से कुछ? एवरीथिंग इज ओके? इफ एवरीथिंग इज ओके तो अपन रेडियो एक्टिविटी पढ़ सकते हैं। चलो रेडियो एक्टिविटी की बात करेंगे फिर अपन। रेडियो ठीक है, रेडियो एक्टिविटी की बात करते हैं। अभी रेडियो एक्टिविटी इज ऑल्सो कॉल्ड न्यूक्लियर केमिस्ट्री। बस इसी पार्ट में हम न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे, बाकी पूरा केमिस्ट्री हमको वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ही पढ़ना होता है। सारे के सारे बॉन्ड फॉर्मेशन एवरीथिंग टेक प्लेस बाय फ्रॉम द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर हम क्या करेंगे, न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे, नॉट अबाउट द आउटर इलेक्ट्रॉन्स, जो शेल्स में इलेक्ट्रॉन होंगे उसके बारे में नहीं पढ़ेंगे। तो न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, ठीक है ना? और अब मैं आपको बता रहा हूं कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन आपस में इंटर कन्वर्ट होते रहते हैं। प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज है, न्यूट्रॉन नेगेटिवली, न्यूट्रॉन जो है वो न्यूट्रल होता है। तो अगर किसी न्यूक्लियस में, जैसे मान लो एटॉमिक नंबर हमारे पास 13 है, तो इसका मतलब 13 प्रोटॉन है, तो 13 पॉजिटिव चार्ज होगा। अगर 13 पॉजिटिव चार्ज होगा तो एक साथ इतने छोटे स्पेस में न्यूक्लियस का साइज जो होता है वो अपन को पता है, इट इज 10 टू द पावर ऑफ -15 मीटर्स के आसपास होता है। अगर छोटा न्यूक्लियस देखेंगे तो इट इज द साइज, एंड दैट इज इक्वल टू 1 फर्मी के बराबर होता है। फर्मी इज एफ ए, ये साइज होता है न्यूक्लियस का। तो वैसे अपन ने लिखा हुआ है रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट जब पढ़ा था, 10^-13 से 10^-15, लेकिन अपन ने सेंटीमीटर लिखा हुआ है, मैंने इनको मीटर्स में कन्वर्ट कर लिया। तो ये ऑलमोस्ट इतना छोटा होता है मीटर्स में। तो अपन क्या कहेंगे, ये 1 फर्मी के बराबर। अगर कोई भी पार्टिकल
वन फर्मी के डिस्टेंस पे आ जाए, मतलब इतने डिस्टेंस पे आ जाए, तो उनमें इररिस्पेक्टिव ऑफ द चार्ज ऑन दोस पार्टिकल्स अट्रैक्शन शुरू हो जाता है। मतलब उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनपे पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है या न्यूट्रल है, उनमें आपस में अट्रैक्शन ही होगा बस। इट वॉज अ एक्सपेरिमेंटल फैक्ट। इसलिए इतने छोटे न्यूक्लियस में इतना सारा पॉजिटिव चार्ज एक साथ रखा रहता है। इवन दो दे आर पॉजिटिवली चार्ज, दे हैव अट्रैक्शन बिटवीन देम। फिर जैसे अपन ने इलेक्ट्रॉन के नंबर ऑफ शेल्स पढ़े, इलेक्ट्रॉन का नंबर ऑफ शेल्स होता है इन द न्यूक्लियस, अराउंड द न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनके अराउंड जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनमें शेल्स होते हैं, शेल्स में इलेक्ट्रॉन होते हैं, और हर एक शेल में इलेक्ट्रॉन का एक डेफिनेट नंबर होता है, 2, 8, 18। अगर उस टाइप से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेल में प्रेजेंट है, जैसे पर इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं कि भाई 2, 8, 18, 32 ऐसे प्रेजेंट है, तो दैट इज कॉल्ड इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन, द शेल्स आर और द एटम्स आर हाईली स्टेबल, हम उनको इनर्ट बोलते हैं। बिल्कुल वैसे ही प्रोटॉन्स भी शेल्स में होते हैं इनसाइड द न्यूक्लियस, मतलब न्यूक्लियस के अंदर भी प्रोटॉन डेफिनेट नंबर ऑफ, मतलब वो शेल्स में होंगे और उन शेल्स में भी डेफिनेट नंबर होता है। बिल्कुल ऐसे ही प्रोटॉन का भी नंबर होता है, 2, 8, 28, 50, 82, दैट इज 140, ऐसे एक डेफिनेट नंबर होता है। ऐसे ही न्यूट्रॉन्स भी होते हैं, मतलब न्यूक्लियस के अंदर भी शेल्स, एक तो इतना छोटा न्यूक्लियस और उसमें भी ऐसा, दैट इज एक्सपेरिमेंटल। न्यूट्रॉन्स भी ऐसे ही होता है, इसमें 20 नहीं लिखा मैंने, मैं सोच रहा था कुछ एक तो मैंने मिस किया, 20, 28, 50, 82। वैसे अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये सब सेम होता है, ये डिफरेंट होता है। तो अपन से कई बार पूछ लेते हैं कि बताओ लास्ट शेल में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन क्या होते हैं, इसलिए मैंने वो पूरा लिखा, ये प्रोटॉन 114 होता है, न्यूट्रॉन 126 होता है, इसलिए मैंने उसको पूरा लिखा। मतलब न्यूक्लियस के अंदर भी शेल्स है बिल्कुल, और हम क्या बोलते हैं कि अगर किसी एटम में, एटम के अंदर जो न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन अगर इस नंबर्स में है, तो वो एक्स्ट्रा स्टेबल न्यूक्लियस होगा, इनर्ट न्यूक्लियस होगा। जैसे अपन बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन का अगर ये नंबर है तो वो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन होगा। तो उसमें एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस मिलता है, एक्स्ट्रा स्टेबल न्यूक्लियस, मतलब वो बहुत ज्यादा स्टेबल न्यूक्लियस होता है, इसलिए हम नंबर्स को बोलते हैं मैजिक नंबर्स, ऐसे बोल देते हैं कि मैजिक नंबर्स, वो स्टेबिलिटी की वजह से कि अच्छा न्यूक्लियस बहुत ज्यादा स्टेबल है, तो बड़ी मतलब बहुत तो वैसी बात होगी ना हमारे लिए, तो जादू हो गया, सो कॉल्ड मैजिक नंबर्स। आप कोई अपन से पूछता है व्हाट इज मैजिक नंबर्स, वी आर एबल टू टेल व्हाट इज दैट। तो हमें न्यूक्लियस के बारे में पढ़ना है रेडियो एक्टिविटी में, क्या पढ़ेंगे अपन, न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे। तो बाकी आप यहां पर हम शेल्स की बात बिल्कुल नहीं करेंगे, कि न्यूक्लियस के बाहर की बात नहीं करने वाले, अपन तो सिर्फ बात करने वाले हैं
न्यूक्लियस के अंदर जो भी चेंजेस होंगे, जो भी आप देखोगे वो सब न्यूक्लियस के अंदर हो रहा है, दैट इज रेडियो एक्टिविटी। चलो देखते हैं, रेडियो एक्टिविटी इट इज डिस्कवर्ड बाय, वैसे जरूरत नहीं है अपन को किसने डिस्कवर किया, डिस्कवर्ड बाय हेनरी बेकर। हेनरी बेकर बाय द सब्सटेंस कॉल्ड, जो सब्सटेंस से उसने डिस्कवर किया था, सब्सटेंस कॉल्ड पोटेशियम, यूरेनियम का सब्सटेंस था यूरेनाइल सल्फेट, सल्फेट इसका फॉर्मूला होता है दैट इज के टू यू ओ टू एस ओ फोर होल ट्वाइस, दैट इज पोटेशियम यूरेनाइल सल्फेट। उस कंपाउंड से उसने डिस्कवर किया था पोटेशियम यूरेनाइल सल्फेट। The substance which emits alpha, beta and gamma radiations is called radioactive substance or radiations is called radioactive substance. Is called radioactive substance. ठीक है, मैडम क्यूरी आइसोलेटेड, मतलब उन्होंने लैब में सबसे पहला रेडियोएक्टिव सब्सटेंस को आइसोलेट किया था, आइसोलेटेड द रेडियम इन लैब। उसका मेटलर्जी, मतलब इट इज कि ओर से आइसोलेट किया, फ्रॉम इट्स ओर कॉल्ड एज दैट इज कॉल्ड एज पिच ब्लेंड, U3O8 उसका फॉर्मूला होता है, ओर का पिच ब्लेंड U3O8 उसका फॉर्मूला होता है। तो डिस्कवर हेनरी बेकरेल ने किया, उसने कहा कि भाई ऐसा कोई भी सब्सटेंस जिससे अल्फा बीटा गामा रेडिएशन आएंगे दैट विल बी कॉल्ड एज रेडियोएक्टिव सब्सटेंस, और मैडम क्यूरी आइसोलेटेड द वेरी फर्स्ट रेडियोएक्टिव सब्सटेंस इन द लैब दैट इज कॉल्ड रेडियम, that is right now radium from its ore that is called pitch blend. Rutherford study the properties of alpha beta gamma rays in detail. So alpha beta gamma rays in detail. तो देखते हैं डिटेल में पढ़ के कैसे उसने एक्सप्लेन किया। He just carried out its black body radiation, मतलब एक एक्सपेरिमेंट किया उसने, और जो ये पार्ट था अपन ने जो ये लिखा हुआ है वही अपन इसमें बता रहे हैं कि भाई हमें एक ऐसा कंपाउंड चाहिए विच कैन एमिट अल्फा बीटा एंड गामा रेडिएशन, ये वो रेडिएक्टिव सब्सटेंस है जो हमने एक रखा हुआ है ऐसे वेसल के अंदर
ये रेडिएटिव सब्सटेंस है। यहां पर हमने एक फोटोग्राफिक प्लेट लगाया, दिस इज अ फोटोग्राफिक प्लेट। और जिंक सल्फाइड लगाते हैं अपन फोटोग्राफिक प्लेट, यू नो दैट। अब दिस इज अ रेडिएटिव सब्सटेंस, इससे कुछ रेडिएशन स्ट्रेट जाते हैं, कुछ रेडिएशन बेंड हो जाते हैं, और कुछ रेडिएशन काफी जल्दी बेंड हो जाते हैं। तो जिन रेडिएशन का मास सबसे ज्यादा होगा वो जल्दी बेंड हो जाएंगे, जिनका मास सबसे कम होगा वो बेंड नहीं होंगे, दे विल गो इनटू द स्ट्रेट लाइन। तो ये अल्फा रेडिएशन थे, ये बीटा रेडिएशन थे, और ये गामा रेडिएशन। गामा रेडिएशन दे आर ऑलमोस्ट मासलेस, सो दे विल ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। थ्री टाइप का रेडिएशन। अब देखते हैं अपन कि भाई इनके प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा, बीटा एंड गामा रेडिएशन। बीटा एंड गामा रेडिएशन, लेट अस हैव अ प्रॉपर्टी। तो इनके प्रॉपर्टीज देखते हैं। पहले तो मैं ये लिख लेते हैं कि भाई इनको डिनोट कैसे करते हैं। डिनोटेड बाय अल्फा रेस को अपन डिनोट करेंगे हीलियम आयन से। इट इज डिनोटेड बाय दिस। बीटा को बाय इलेक्ट्रॉन लाइक पार्टिकल्स, और गामा को एनर्जी से एच न्यू डिनोट तो वैसे करेंगे। चार्ज राइट क्यू, ये तो प्लस टू पॉजिटिवली चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, और ये न्यूट्रल। These rays are neutral in nature. Mass ये 4 AMU। AMU को कैसे कन्वर्ट करते हैं kg में, you know that. ये इलेक्ट्रॉन लिखा है तो इसका मास भी अपन 1.9 × 10⁻³¹ kg। They are almost massless. I'm not telling massless. I'm writing almost massless. Quite so, because all have kinetic energy. और अगर सबके पास kinetic energy है, मतलब they have particle character. If they have a particle character, obviously बात है, they velocity. Velocity की बात करेंगे तो we'll read that इसका velocity it is almost 1/10, मतलब 3 × 10⁷ m/s. इसका वेलोसिटी नियरली दैट इज वी कैन राइट लाइक दिस 2.9 × 10⁸ m/s, मतलब लाइट की वेलोसिटी के बराबर ही लेके आ गया। If I read penetration power, मतलब through which particle they can pass. Penetration effect depends on the velocity. जिसका velocity ज्यादा होगा उसका penetration power भी ज्यादा होगा. So these have low penetration power. Penetration power मतलब they can pass through the thin paper, और paper से pass, जो copy का paper होता है ना उससे pass कर सकते हैं rays. Can pass through paper. Beta rays जो होते हैं उनका penetration effect ज्यादा होता है because उनकी velocity ज्यादा होती है. Can pass through.
0.1 सेंटीमीटर एल्यूमिनियम फॉइल। जो एल्यूमिनियम फॉइल होते हैं तो 0.1 सेंटीमीटर का एल्यूमिनियम फॉइल है तो उससे पास कर जाएगा, वो 1 mm। ये तो कैन पास थ्रू, ये तो कैन पास थ्रू 20 to 25 सेंटीमीटर थिक लेड शीट, मतलब दिस कैन पास थ्रू द थिक लेड शीट। अगर 20 to 25 सेंटीमीटर का मतलब अच्छा खासा थिक लेड शीट भी होगा उससे भी पास कर जाएगा। एंड दैट्स व्हाई आपने देखा होगा न्यूक्लियर रिएक्टर में इतना बड़े बड़े वॉल्स क्यों बनाते हैं, क्योंकि जहां न्यूक्लियर रिएक्शन होगा वहां पर पहले अंदर वो क्या करेंगे, लेड शीट लगाएंगे ऑलमोस्ट 200 सेंटीमीटर का, उसके बाद फिर कॉन्क्रीट लगाते हैं ताकि बिल्कुल भी रेडिएशन बाहर ना आए। आयनाइजेशन पावर, आयनाइजेशन जैसे अपन ने कहा पेनिट्रेशन पावर इज प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, वैसे ही मैं लिख सकता हूं आयनाइजेशन पावर इज प्रोपोर्शनल टू मास। आयनाइजेशन पावर इज प्रोपोर्शनल टू मास, जिसका मास ज्यादा होगा ऑब्वियस ही बात है वो किसी दूसरे पार्टिकल को जब हिट करेगा तो उसके इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कर देगा। सबसे ज्यादा मास किसका है, हीलियम, बिकॉज एमए को कन्वर्ट करोगे तो 4 × 1.66 × 10⁻²⁷। तो दिस हैज हाई आयनाइजेशन पावर, कैन आयनाइज गैसेस। Ionized gases. This also can ionize gases. And gamma radiation cannot ionize gases. No doubt, इसका penetration power बहुत ज्यादा है। तो इसका मतलब है कि सबसे ज्यादा हार्मफुल हमारे लिए यही होना चाहिए, क्योंकि हमारे बॉडी से पास करेगा ना तो सब कुछ तोड़ते हुए निकल जाएगा। लेकिन सबसे ज्यादा डेंजरस ह्यूमन बीइंग के लिए ये होता है अल्फा रेडिएशन। वो क्यों? क्योंकि भाई ये तो पास करेगा तो गामा रेडिएशन तो पास कर जाएंगे, ऑलमोस्ट बर्न करके खत्म कर देगा। लेकिन ये क्या होगा, इसका साइज बड़ा होता है तो ये ना इसका इंपैक्ट जो होता है ना हमारे मसल्स पे वो बहुत ज्यादा होता है, मतलब ये मसल्स को क्रैक करता है धीरे धीरे। हमारा रेडिएशन तो बर्न ही कर देगा, इतना ज्यादा एनर्जी होता है। तो अगर इन तीनों में से हम कहेंगे भाई सबसे ज्यादा हमको कौन प्रॉब्लम देगा, तो अपन कहेंगे हीलियम पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल, व्हाइट इज सो। उसका मास ज्यादा होने से, बड़ा साइज होने से वो इम्पैक्ट जो डालेगा ना, वो जब हिट करेगा तो बहुत सारा एरिया मसल्स का ब्रेक करता है धीरे 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 धीरे। सबसे ज्यादा डेंजरस ये है, लेकिन सबसे ज्यादा हार्मफुल फॉर द ह्यूमन बीइंग इज अल्फा। आयनाइजेशन पावर मीन्स अगर हम इसको सोडियम से पास करेंगे अल्फा रे इसको, तो सोडियम को सोडियम आयन में कन्वर्ट कर देगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर देगा। दैट इज फिर चार्ज लिखा हुआ है तो इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होगा, वी नो दैट। ये पॉजिटिवली चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड में कैथोड की तरफ डिफ्लेक्ट होगा, ये नेगेटिवली चार्ज है तो एनोड की तरफ डिफ्लेक्ट होगा, ये न्यूट्रल है तो देयर इज नो डिफ्लेक्शन इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। दैट इज अगर अपन यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दें, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, अगर मैं यहां पर सपोज करते हैं नेगेटिव पोल लेता हूं तो फिर अल्फा पार्टिकल दे आर पॉजिटिवली चार्ज, वो इस तरफ आ जाएंगे, और इधर पॉजिटिव होगा तो बीटा पार्टिकल विल गो ऑन दैट साइड, व्हिच इज सो ये नेगेटिवली चार्ज है तो इसकी तरफ आएगा, ये पॉजिटिवली चार्ज है तो इसकी तरफ डिफ्लेक्ट होगा। तो अभी अपन ने ऐसे लिखा हुआ है तो अपन वैसे ही लिख देते हैं उसको नेगेटिव और पॉजिटिव। तो
अल्फा पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज की तरफ डिफ्लेक्ट हुआ, बीटा पार्टिकल नेगेटिवली चार्ज है तो ये पॉजिटिव चार्ज की तरफ डिफ्लेक्ट। तो डायग्राम में अपन दिखाते हैं कि कौन किस तरफ डिफ्लेक्ट होगा, तो फिर लिखने की जरूरत नहीं सेपरेटली कि कौन किसकी तरफ डिफ्लेक्ट होगा, वी ऑलरेडी नो दैट अकॉर्डिंग टू द चार्ज कैथोड एनोड की तरफ कौन कहां डिफ्लेक्ट होगा, दैट इज हाउ वी कैन डू इट कि कौन किस तरफ डिफ्लेक्ट होगा। ठीक है ना, सो दीज आर द प्रॉपर्टीज, नाउ विल रीड दैट। हमें मेनली इस पार्ट में पढ़ना है स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस। तो पहले अपन क्या करेंगे, विल रीड दैट स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस में। अब हम ये टाइप्स ऑफ रेडिएशंस जो है, so what are the nuclear changes that will occur in the nucleus due to these radiations, to types of emissions ki baat karte hain, but kitne type ke emissions hote hain, types of emissions, theek hai na, we'll discuss about the type of emission. तो जैसे अपन ने टाइप्स ऑफ एमिशन लिखा तो अपन लिखेंगे भाई अल्फा एमिशन होगा, बीटा एमिशन होगा, गामा एमिशन होगा, लाइक दैट वी कैन राइट। तो अभी जो मेजर पार्ट हमारे लिए जो पूछेंगे ना वो टाइप ऑफ एमिशन से ही पूछने वाले, तो अपन लिखेंगे टाइप ऑफ एमिशन। तो एक होगा अल्फा एमिशन, अब जितना भी रेडिएटिव emissions या radioactive reactions होंगे, they always follow the conservation of mass and energy. All radioactive reactions follow the conservation of mass and energy. of mass and energy. वो हमेशा फॉलो For each alpha emission, the mass number decreases by 4 unit and the atomic number decreases by 2 unit. The mass number denoted by A. Decreases by 4 unit. By 4 unit. And the atomic number decreases by 2 unit. Atomic number decreases by 2 unit. Decreases by 2 unit. So let us check what will happen, what I am telling you. हम क्या करेंगे, एक जनरलाइज स्टेटमेंट लिखेंगे। वैसे तो ऐसे होना चाहिए भाई, मान लो अपने पास थोड़ी ऐसे की बने यूरेनियम के बने, ये 92 होगा, ये 235 होगा। तो अपन क्या करेंगे, इससे अगर अल्फा मिशन करेंगे तो नया एलिमेंट थोरियम बनेगा, उसका एटॉमिक नंबर ये होगा, और क्योंकि मैंने इसको 2 से मैं हीलियम यहां पर लिखने वाला हूं, अल्फा पार्टिकल मींस हीलियम, तो ये 2 हो जाएगा, और यहाँ 235 है तो हीलियम तो 4 होता है मास नंबर उसका, तो 4 इससे माइनस करूंगा तो ये हो जाएगा 235। तो व्हाट आई मीन इज कि रिएक्शन फॉलोज कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी, ये 235 है तो इन दोनों को मिला के 235 होना चाहिए, ये 92 है तो इन दोनों को मिला के 292 होना चाहिए, दैट इज व्हाट आई मीन बाय कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी। ये मास नंबर होता है, ये एटॉमिक नंबर होता है, तो हर एक अल्फा पार्टिकल, जितने अल्फा पार्टिकल निकलेंगे ना, फॉर ईच अल्फा पार्टिकल द एटॉमिक नंबर डिक्रीजेस बाय 2 यूनिट एंड द एटॉमिक मास डिक्रीजेस बाय 4 यूनिट। अगर मैं यहां पर 2 अल्फा पार्टिकल ले लेता हूं तो फिर ये वाला नंबर 88 हो जाएगा और ये वाला नंबर 227 हो जाएगा,
अगर दो अल्फा पार्टिकल है, सो वी हैव रिटन दैट फॉर ईच अल्फा मिशन, है ना। तो अब अपन क्या करेंगे, अपन ज्यादा ऐसे नहीं लिखते हैं, मैं इसको ऐसे लिख लूंगा क्योंकि अभी अपन कोई एलिमेंट के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, अपन तो ऐसे लिख लेंगे भाई। एग्जांपल ये एक्स है जिसको अपन बोल देंगे भाई ये यूरेनियम हो गया, इसका मास नंबर इज ए और एटॉमिक नंबर इज सेवन। तो अगर इसमें अल्फा मिशन होगा तो वाई बनेगा और एक अल्फा पार्टिकल बनेगा, तो अल्फा पार्टिकल इज फोर एंड टू, तो ये हो जाएगा जेड माइनस टू और ये हो जाएगा ए माइनस फोर। तो अपन ऐसे जनरलाइज्ड इक्वेशन लिख लेंगे कि इन जनरल व्हाट विल बी द चेंज इन द मास नंबर, इन जनरल व्हाट विल बी द चेंज इन द एटॉमिक। तो ये जो इनिशियली एलिमेंट अपने पास होता है इसको अपन कहते हैं पैरेंट न्यूक्लियस, और जो एलिमेंट बनेगा उसको अपन कहते हैं डॉटर न्यूक्लियस। वो ऐसे बोल देते हैं, एंड दीज आर एमिशंस, रेडिएशन, अल्फा मिशन, दैट इज द रेडिएशंस। तो मैं इसको ऐसे इन जनरलाइज लिखेंगे अल्फा बीटा गामा, बाद में अपन एग्जांपल ले लेंगे, एक कॉमन एग्जांपल लेके अपन बता देंगे भाई कैसे लिखना चाहिए। अब इसको लिखा है तो अपन यहां पर लिख देते हैं भाई एज इन केस ऑफ यूरेनियम लिया ना अपने U235 और ये 92 है, तो अल्फा मिशन के बाद थोरियम बन रहा है 231 और 90 प्लस हीलियम बन रहा है, दैट इज 4 एंड 2, तो बैलेंस्ड है, यू नो दैट, वो हमेशा कंजर्व होगा। एवरीबॉडी गॉट इट, ठीक है ना। तो अभी तो मेनली अपन को रेडिएशंस वाले पार्ट को ही डिस्कस करना है, फिर बीटा मिशन की बात। बीटा एमिशन में व्हाट विल हैपन, विल से फॉर ईच बीटा एमिशन एमिशन द एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस बाय वन यूनिट, द एटॉमिक नंबर दैट इज दैट इंक्रीजेस बाय वन यूनिट, बाय वन यूनिट, but there is no change in atomic mass, there is no change in atomic mass, yeah, mass number, mass number, to a mein koi change nahi hone wala, theek hai bhai। to agar isme ye parent nuclei hai That is A and Z, यहीं पे लिख देता हूँ। That is A and Z, then it will get converted into the daughter nuclei। ये A ही रहेगा, लेकिन ये Z plus one आ जाएगा। Plus beta emission आ जाएगा। अभी what you can say? This is A, A plus zero। This is Z. Z plus 1 and minus 1, so it will become Z. Who comes over? That is beta emission. Now we can write the gamma emission. Gamma emission mein kya hoga? There is no change in mass number or atomic number. No change. In mass number and atomic number, mass number and atomic number, but due to the emission of radiation, the nuclei becomes stable. भाई emission अगर कुछ होगा, मेरे से कुछ emission हुआ, तो कुछ तो मेरी energy lose होगी ना? तभी तो emit करके, right ना? Emit कर रहा हूँ ना मैं? तो एनर्जी लॉस्ट होगा तो मेरी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, अगर किसी का एनर्जी लॉस्ट होगा तो उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। सो एटॉमिक नंबर विल बी जेड, देयर इज नो चेंज इन मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर, बट न्यूक्लियस बिकम स्टेबल,
न्यूक्लियर बिकम स्टेबल ड्यू टू एमिशन ऑफ रेडिएशन, दैट इज एनर्जी. बिकम स्टेबल ड्यू टू न्यूक्लियस बिकम स्टेबल ड्यू टू एमिशन ऑफ एनर्जी. एमिशन ऑफ एनर्जी. तो फिर इसका लिख लेते हैं ना इसको, कि एक्स ए एंड जेड ये एक्साइटेड न्यूक्लियस होता है, एक्साइटेड न्यूक्लियस होता है, ठीक है ना. ये एक्साइटेड न्यूक्लियस होगा एंड इट विल गेट कन्वर्ट इनटू वाई व्हिच विल बिकम अ स्टेबल न्यूक्लियस. मतलब क्यों, इसके साथ में रेडिएशंस भी लिखने वाला हूं. ड्यू टू एमिशन ऑफ दोस रेडिएशंस विल राइट दैट दिस विल बी अ एक्साइटेड न्यूक्लियस, सो दिस विल बी स्टेबल न्यूक्लियस. बिकॉज अगर उससे एनर्जी इमिट होगा तो इट विल गेट स्टेबलाइज्ड. सो दिस इज अबाउट द गामा एमिशन. बिल्कुल ऐसे ही अभी हमको दो एमिशन और पढ़ने हैं, जो जनरली हम इन जनरल नहीं पढ़ते हैं लेकिन वो हम पढ़ेंगे. द अनदर एमिशन व्हाट वी हैव टू स्टडी इज, भी आपको पता है अल्फा मिशन में क्या होगा, बीटा मिशन में क्या होगा, गामा मिशन में क्या होगा, यू नो दैट. अपन एग्जांपल भी देखेंगे. जैसे मैंने आपसे कहा द अदर मिशन इज कॉल्ड पॉजिट्रॉन मिशन. द पॉजिट्रॉन मिशन For positron emission, what will happen? There will be no change in the mass number, but the atomic number decreases by one unit. There is a for each positron emission. There is no change in mass number. There is no change in mass number. But the atomic number decreases by one unit. But atomic number decreases by one unit. मतलब वी आर गोइंग टू राइट दैट एक्स मेरे पास है ए एंड जेड फॉर पॉजिट्रॉन एमिशन. राइट वाई ए तो रहेगा, मास नंबर उतना ही रहेगा, बट जेड विल बी इक्वल टू जेड माइनस वन हो जाएगा. मतलब इट विल डिक्रीज बाय वन यूनिट. एक्चुअली पॉजिट्रॉन एमिशन क्या होता है, पॉजिट्रॉन एमिशन में विल से दैट दिस इज कॉल्ड, अगर अपन को इसको बैलेंस करना है, भाई ए तो बैलेंस है लेकिन जेड बैलेंस नहीं है, तो पॉजिट्रॉन एमिशन इज डिनोटेड बाय, इसमें एक प्लस वन करना होगा तो इसके बराबर आएगा. तो इसमें जो पार्टिकल्स बाहर निकलते हैं, द पार्टिकल्स आर लाइक दिस, दिस इज द पार्टिकल. जैसे इसमें इलेक्ट्रॉन माइनस होता है, ऐसे इसमें इलेक्ट्रॉन प्लस होता है, दैट इज कॉल्ड पॉजिट्रॉन. मतलब ये पॉजिट्रॉन है, जैसे आप इसको बीटा रेडिएशन बोलते हैं, ये पॉजिट्रॉन है जो न्यूक्लियस से निकलेगा. ये भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, वैलेंस शेल वाले, ये सब कुछ जो भी प्रोसेस हो रहा है वो न्यूक्लियस के अंदर हो रहा है. सो दिस इज अ पार्टिकल इमिटेड फ्रॉम द न्यूक्लियस. अपन क्या बोलेंगे, ये भी इलेक्ट्रॉन है, ये भी इलेक्ट्रॉन है, बस इसमें नेगेटिव चार्ज या माइनस वन चार्ज होता है, इसका प्लस वन चार्ज होता है. और बीटा पार्टिकल को डिनोट भी आप इलेक्ट्रॉन से करते हो, तो मैं पॉजिट्रॉन एमिशन को ऐसे बोल दूं, बीटा पॉजिटिव. तो अपन कहेंगे अब आपने एक नया वर्ड ले लिया, बीटा पॉजिटिव, तो ये भी तो बीटा था, वो भी बीटा हो गया फिर. तो अपन कहेंगे जब आप बीटा एमिशन लिखोगे तो इट इज ऑलवेज कंसिडर्ड एज बीटा नेगेटिव एमिशन.
नेगेटिव चार्ज का रिलेशन। लेकिन अगर आप बीटा पॉजिटिव बोलो या पॉजिट्रॉन बोलो तो मैं बीटा पॉजिटिव अमीशन या पॉजिट्रॉन अमीशन अचीव करूंगा। तो पॉजिट्रॉन अमीशन एक तरीके से बीटा अमीशन ही है, बट बीटा अमीशन में नेगेटिव रेडिएशन सिमिट करते हैं और पॉजिट्रॉन अमीशन में पॉजिटिव चार्ज रेडिएशन सिमिट करते हैं। हमें कैसे पता चला? इलेक्ट्रिक फील्ड लगा के। द रेडिएशन हैव अ सेम मास बट डिफ्लेक्टिंग टुवर्ड्स द डिफरेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। दिस इज डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द एनोड, दैट इज डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द कैथोड। तो हमें पता चला कि सेम मास के रेडिएशन होते हैं लेकिन वो इलेक्ट्रिक फील्ड में अलग अलग इलेक्ट्रोड की तरफ डिफ्लेक्ट होते हैं। ठीक है, तो दिस इज बीटा। अगर सिर्फ बीटा इमिशन लिखा हुआ है इट इज बीटा नेगेटिव इमिशन। सिर्फ बीटा पॉजिटिव लिखा हुआ है और बीटा पॉजिटिव लिखा हुआ है तो पॉजिटिव इमिशन। बीटा नेगेटिव लिखो या बीटा इमिशन लिखो करेंगे हम यही। लेकिन अगर आप पॉजिट्रॉन लिखो या बीटा पॉजिटिव लिखो मैं करूंगा ये अपना। इसमें एक मिशन और है लेकिन उससे पहले मैं एक छोटा सा बात और करूंगा या अपन मतलब बाद में भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी अपन ये चेक कर लेते हैं कि क्या हो रहा है, कैसे मिशन में क्या नंबर्स चेंज करना है, तो बाद में भी कर सकता हूँ क्योंकि एग्जाम्पल तो लेना ही है मुझे। एक एग्जाम्पल लेंगे जिसमें आपको सारे एमिशन करके दिखाऊंगा, ठीक है ना? अपन ऐसे कर लेते हैं। अब एक और एमिशन मैंने कहा था, तो एक और एमिशन जो हमें पढ़ना है वो होता है, इसको अपन कहते हैं इलेक्ट्रॉन कैप्चर। इलेक्ट्रॉन कैप्चर भी बोलते हैं अपन, के कैप्चर भी बोलते हैं अपन। फॉर ईच इलेक्ट्रॉन कैप्चर, इलेक्ट्रॉन कैप्चर द एटॉमिक नंबर डिक्रीजेस बाय वन यूनिट। एटॉमिक नंबर डिक्रीजेस बाय वन यूनिट बट देयर इज नो चेंज इन मास नंबर, बट नो चेंज इन मास नंबर। इन मास नंबर में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है? तो आपने यहां भी तो ये लिखा हुआ है बट यहां पर इलेक्ट्रॉन कैप्चर नहीं लिखा ना भाई। इलेक्ट्रॉन कैप्चर का मतलब यू आर गोइंग टू राइट लाइक दिस पैरेंट नेम, और इलेक्ट्रॉन को कैप्चर मतलब ये बोल रहे हो भाई। कैप्चर करने का मतलब तो ले लेना होता, इसने इलेक्ट्रॉन को कैप्चर कर लिया तो क्या बनेगा? डॉटर एलिमेंट बनेगा जिसमें ए में तो कोई चेंज नहीं आया लेकिन जेड तो माइनस वन हो जाएगा ना। दिस प्लस दिस शुड बी इक्वल टू दैट, ठीक है? ये इलेक्ट्रॉन कैप्चर। अब इलेक्ट्रॉन कैप्चर जो है अपन एक बार देख लेते हैं कि भाई ये है क्या। अपन सबको पता है न्यूक्लियस में प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है। अब ऐसे शेल्स होते हैं, बस सबको पता है इस शेल को अपन के बोलते हैं, इसको एल बोलते हैं, इसको एम बोलते हैं। के शेल में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, एल में एट इलेक्ट्रॉन होता है। फिर और भी इसमें मतलब डिपेंडिंग ऑन कि भाई कौन से एटम की बात कर रहे हो मैं उसमें लिख सकता हूं। अभी होता तो क्या है, इफ इन एनी एटम, इफ इन एनी एटम
द नंबर ऑफ प्रोटॉन इज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। मतलब अगर प्रोटॉन का नंबर ज्यादा हो न्यूट्रॉन से, ऐसा होता नहीं है वैसे, न्यूट्रॉन हमेशा ज्यादा होता है प्रोटॉन से, या तो दोनों इक्वल होंगे नहीं तो न्यूट्रॉन का नंबर ज्यादा होता है प्रोटॉन से। प्रोटॉन ज्यादा होंगे और न्यूट्रॉन कम होंगे, ऐसा हम आर्टिफिशियल ही बना सकते हैं। देन मैं एग्जांपल ले देता हूं, गोल्ड में ऐसा पॉसिबल है, अपन गोल्ड में ऐसा बना सकते हैं, पॉसिबल नहीं है बना सकते हैं, ठीक है ना। तो देन द न्यूक्लियस, क्योंकि न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा है, न्यूट्रॉन कम है प्रोटॉन ज्यादा है, इसलिए ये क्या करेगा, जो ये वाला इलेक्ट्रॉन होता है ना यहां पर, ये वाला इलेक्ट्रॉन, इस इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस में कैप्चर कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। देन द न्यूक्लियस, प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस विल एब्जॉर्ब या कैप्चर the electron from the K shell, that's why we called it as a K capture, ये K capture अपने इसमें बोलते हैं। अब अगर ये इलेक्ट्रॉन अंदर आएगा तो फर्स्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कम होगा, अब फर्स्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कम होगा तो कुल क्या सेकेंड शेल से ड्रॉप करेगा, सेकेंड शेल से ड्रॉप करेगा तो इधर से इलेक्ट्रॉन ड्रॉप करेगा। अगर इलेक्ट्रॉन ड्रॉप करेंगे ऐसे तो दे विल एमिट द रेडिएशंस, एमिट रेडिएशंस। अगर ऐसा हुआ कि भाई इलेक्ट्रॉन कैप्चर हो गया तो इस शेल में, फर्स्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कम हो गए, तो फिर ये इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल से एक इलेक्ट्रॉन ड्रॉप करेगा फर्स्ट शेल में, कॉम्पनसेट करने के लिए हायर शेल से उस शेल में ड्रॉप करेगा। तो ये ड्रॉपिंग से क्या होगा, रेडिएशन इमिट होंगे। ये रेडिएशंस क्या होते हैं, तो पढ़ने का ऐसा मुझे नहीं पता कौन से, और ये रेडिएशन ड्रॉप किए तो ये ड्रॉप से, क्योंकि यहां पर प्रोटॉन ज्यादा थे और इलेक्ट्रॉन कैप्चर हुआ तो उसमें से एमिशन निकल रहे थे, तो अपन से कहा भाई ये तो कैप्चर हो रहा है, रेडिएशन निकलेंगे तो राइट हैंड साइड पे लिखेगा, तो फिर ये रेडिएशंस क्या है, तो हमने कहा हमें नहीं पता, आप इसको ना कुछ भी दे दो एक्स वाई जेड, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कौन से रेडिएशन। तो इस ड्रॉप से हमको नहीं पता कौन से रेडिएशन है, तो जैसे अपन बोलते ना कि अननोन वेरिएबल क्या हो गया, एक्स लिख दिया, तो मैंने भी इसको क्या बोल दिया, मैंने भी इसको ऐसे दीज आर एक्स रेस प्रोड्यूस बाय इलेक्ट्रॉन कैप्चर। सो इनको अपन बोलते हैं एक्स रेस, जो एक्सरे मशीन हम जाके हाथ पर चलो एक्सरे निकलवा के आते हैं, वो यही होता है उसमें, उसमें गोल्ड प्लेट लगा रखा होता है, गोल्ड का प्रॉपर्टी होता है, उस गोल्ड प्लेट में नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा होते हैं, उसने मशीन ऑन किया, उसमें प्रोटॉन ये इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब हुआ, इलेक्ट्रॉन ड्रॉप होंगे, रेडिएशन निकलेंगे, वो एक्सरेज रेडिएशन दे कैन पास थ्रू अवर बॉडी बट नॉट द स्केलेटन, हाई एनर्जी रेडिएशन, ठीक है हमें फर्क नहीं पड़ता, विल से दैट हमें तो ये पता है कि जैसे जैसे एक्सरेज निकलेंगे वैसे वैसे इसका प्रोटॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन को ले रहा होगा, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन जा रहा होगा, वी गॉट इट व्हाट इज एक्सरेज।
हाई एनर्जी रेडिएशन राइट ना, ये आपके डिफरेंट एमिशन हैं। मैं इन एमिशन को एक एग्जांपल के थ्रू कंपाइल करने वाला हूं और ये भी बताने वाला हूं कि अगर ये इलेक्ट्रॉन इसके अंदर जाएगा तो न्यूक्लियस में क्या चेंज होगा। मैं वो भी बताना चाहता था लेकिन मैंने कहा ठीक है, पहले अपन एटॉमिक नंबर और मास नंबर का चेंजेस देख लेते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। तो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं और फिर अपन देखते हैं कि सारे रेडिएशन जो है वो आप कैसे। तो एक एग्जांपल लेते हैं और डिफरेंट टाइप ऑफ रेडिएशन। मेरे पास कॉपर है 29 उसका एटॉमिक नंबर होता है और 64 उसका एटॉमिक मास उसका मास नंबर होता है। अब मैंने क्या किया, कॉपर से अगर मान लो मैं अल्फा मिशन करता हूं तो वाट बल्ब, अगर मैं इससे बीटा मिशन करूंगा तो वाट बल्ब, अगर इससे गामा मिशन करूंगा तो क्या होगा, गामा मिशन करूंगा तो क्या होगा, ये वाला पॉइंट हटा रहा हूं। और अगर मैं इससे पॉजिट्रॉन एमिशन करूंगा तो क्या होगा, और अगर इससे अपन इलेक्ट्रॉन कैप्चर करेंगे तो क्या होगा। या के कैप्चर करेंगे तो क्या होगा। अल्फा एमिशन में क्या होता है ना, न्यूक्लियस ब्रेक होता है दो एटम। अल्फा एमिशन में न्यूक्लियस क्या होता है, ब्रेक होता है, हीलियम न्यूक्लियस होता है। अल्फा पार्टिकल एक अलग न्यूक्लियस है, हीलियम एक अलग इंडिपेंडेंट एटम है, इलेक्ट्रॉन कोई अलग इंडिपेंडेंट एटम थोड़ी है। तो अपन क्या कहते हैं, अल्फा एमिशन में न्यूक्लियस ब्रेक होता है दो पार्टिकल में। तो अल्फा एमिशन जब करेंगे अपन तो जो नया एलिमेंट बनेगा, क्योंकि अपन हीलियम तो लिखेंगे यहां पर, ये 2 और 4 लिखना ही पड़ेगा अपन को। तो जो नया एलिमेंट बनेगा उसका एटॉमिक नंबर 2, इट्स एटॉमिक नंबर विल डिक्रीज बाय 2 यूनिट्स और एलिमेंट की पहचान उसके एटॉमिक नंबर से होती है, एटॉमिक मास से नहीं। भाई आर्गन और कैल्शियम का एटॉमिक मास तो सेम है 40, तो वो अलग अलग कैसे पता चला हमको, आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 है और कैल्शियम 40। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में वी से दैट राइट ना, कि भाई द केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट इज द फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। तो राइट ना, दो एटॉमिक नंबर कम किसका हो जाएगा, तो फिर कहेंगे कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर उसका 27 होता है, तो वी आर एबल टू टेल कि कौन सा एलिमेंट बनेगा एटॉमिक नंबर से। मास 4 यूनिट कम करेंगे तो 60 लिख दूंगा, अल्फा एमिशन। नाउ विल राइट द बीटा एमिशन। बीटा एमिशन में फॉर ईच बीटा एमिशन एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस बाय 1 यूनिट, लिख देंगे एटॉमिक नंबर बढ़ गया, ये जिंक बनेगा 64 और ये 30 हो जाएगा Zn, ये हो। तो फिर इसमें क्या होता है, तो बनने का भी बीटा एमिशन, ये लो भाई बीटा एमिशन हो गया, दीज आर बीटा पार्टिकल्स, बीटा एमिशन इज द बीटा पार्टिकल्स आर कॉल्ड द बीटा एमिशंस। गामा मिशन विल से दैट कॉपर बिकम्स स्टेबल न्यूक्लियर एंड द रेडिएशंस विल बी एमिटेड, ये ऐसे ही रहेगा लेकिन अपन इसको स्टेबल न्यूक्लियर बोलते हैं, बिकॉज रेडिएशन एमिट हो गए तो स्टेबिलिटी बढ़े। पॉजिट्रॉन एमिशन एटॉमिक नंबर डिक्रीजेस बाय 1 यूनिट, तो ठीक है भाई बीटा पॉजिटिव भी बोला था अपने इसको, तो एटॉमिक नंबर कितना होना चाहिए, ये मास में कोई चेंज नहीं और इसमें क्या लिखेंगे अपन, दैट इज बीटा पॉजिटिव एमिशन।
दैट विल बी बीटा पॉजिटिव हमेशा. इलेक्ट्रॉन कैप्चर की बात करेंगे तो द इलेक्ट्रॉन कैप्चर इज व्हाट? इलेक्ट्रॉन कैप्चर जैसे मैंने आपको बताया द एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस बाय, अब इसमें मैंने क्या लिखा Ni 64 और ये 28. तो इलेक्ट्रॉन कैप्चर में क्या किया था हमने, इधर एक इलेक्ट्रॉन कैप्चर किया उसके माइनस वन. सो दिस प्लस दिस, दिस प्लस दिस, 29 माइनस वन 28 हो जाएगा. या तो आप कैप्चर में ऐसे लिखो, नहीं तो आप ऐसे लिखो माइनस इलेक्ट्रॉन, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. यहां पर प्लस नहीं लिखा था बिकॉज ये तो कैप्चर है, तो इस तरफ लेके जाओगे तो प्लस हो जाएगा. That is capture. We got that. अब अपन कहेंगे भाई इसमें तो न्यूक्लियर ब्रेक, न्यूक्लियस ब्रेक इंटू टू डिफरेंट न्यूक्लियर, भाई न्यूक्लियस जो था वो ब्रेक हो गया दो डिफरेंट न्यूक्लियर में अल्फा एमिशन, और बीटा एमिशन में क्या हुआ? तो अपन कहेंगे भाई बीटा एमिशन में एटॉमिक नंबर बढ़ गया. अब एटॉमिक नंबर तो तभी बढ़ सकता है ना जब प्रोटॉन का नंबर बढ़ जाए. तो इसमें क्या हुआ होगा, एक न्यूट्रॉन जो है न्यूक्लियस के अंदर वो प्रोटॉन में कन्वर्ट हो गया. भाई हमको एक बात बता, ये सारे के सारे न्यूक्लियर रिएक्शन है, यहां जो भी आपको करना है आपने पहले ही बता दिया था कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन आपस में इंटर कन्वर्ट हो सकते हैं. बीटा एमिशन में क्या होता है भाई, एक न्यूट्रॉन जो है वो ऐसे रिप्रेजेंट होता है, प्रोटॉन ऐसे रिप्रेजेंट होता है, तो ये इसमें कन्वर्ट हो जाता है. अगर ये इसमें कन्वर्ट होगा और इमिट करेंगे कौन से रेडिएशन, ये वाले, तो ये एक प्रोटॉन में कन्वर्ट होगा और ये रेडिएशन इमिट होंगे. तो दिस वन विल बी इक्वल टू वन प्लस जीरो, दिस जीरो विल बी इक्वल टू वन माइनस वन, वो कंजर्व है. दैट्स आई एम टॉकिंग अबाउट कंजर्वेशन. हाउ कैन यू चेंज द एटॉमिक नंबर विदाउट चेंजिंग द प्रोटॉन्स? तो अगर कहीं एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है इसका मतलब है वहां प्रोटॉन बढ़ रहे हैं, अगर एटॉमिक नंबर कम हो रहा है इसका मतलब वहां पर प्रोटॉन कम हो रहे हैं. तो इन दिस केस वी विल से दैट कि एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन प्लस इसमें कन्वर्ट होता है. इधर देयर इज नो चेंज इन न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, इट इज अ रेडिएशन ड्यू टू एमिशन ऑफ रेडिएशन The energy of atom, that is parent atom decreases. Parent nuclei decreases. वो decrease हो जाएगा. इधर क्या हुआ तो इधर अपन गए नहीं भाई, अब फिर बताओ इधर क्या होगा, तो atomic number decreases, मतलब number of proton decreases. तो यहां पर क्या होगा कि भाई प्रोटॉन जो है वो न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाएगा और इमिट क्या करेगा, ये इमिट करेगा लिमिटेड रेडिएशन. ठीक है भाई. सो इधर वन, दिस इज वन प्लस जीरो बैलेंस है, इधर भी वन है जीरो प्लस वन, ये भी बैलेंस, रिएक्शन विल बी बैलेंस्ड. इधर व्हाट विल डू भाई, इधर तो इलेक्ट्रॉन कैप्चर है तो अपन ऐसे लिखेंगे एटॉमिक नंबर डिक्रीज हो रहा है मतलब प्रोटॉन जो है वो डिक्रीज हो रहा है, तो ये लो इलेक्ट्रॉन कैप्चर कर दिया. कैप्चर होगा तो मुझे राइट हैंड साइड पे ना, लेफ्ट हैंड साइड पे लिखना पड़ेगा ना, और एमिशन होता है तो राइट हैंड साइड पे द एमिशंस. तो इस केस में एक प्रोटॉन जो है वो न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाएगा. दीज आर द न्यूक्लियर चेंजेस.
which are going to take place. That is nuclear chemistry. The nuclear synthesis. Alpha, beta, gamma radiation. कभी कभी हमसे वो expressions भी पूछ सकते हैं, write the expression. जैसे मान लो अपने लिए ना कि मैं इसको हटा देता हूँ, पहले पहले मैं एक एग्जांपल लिख लेता हूँ, फिर अपन एक्सप्रेशन बना लेंगे. मैं इसको हटा देता हूँ, आई डोंट थिंक किसी को डाउट होगा. अगर डाउट है तो वो पूछेगा. मान लो मेरे पास ऐसे गिवन है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ अल्फा एंड बीटा पार्टिकल्स एमिटेड इन द रिएक्शन. इन द रिएक्शन अल्फा एंड बीटा पार्टिकल एमिटेड इन द रिएक्शन. मैंने लिखा है ऐसे रेडियोएक्टिव रिएक्शन. यूरेनियम गिवन है, ये 92 है और ये 236. ऐसे ले लिया और मैंने आपसे कहा दिस गेट कन्वर्टेड इनटू लेड पीबी. वैसे सारे के सारे रेडियोएक्टिव सीरीज लेड पे आके एक टर्मिनेट हो जाते हैं. लेड का एटॉमिक नंबर होता है 82 और एटॉमिक मास होता है 208. अब इसमें मुझे गिवन है कि भाई कितने अल्फा पार्टिकल इसमें आएंगे और कितने इसमें बीटा पार्टिकल आएंगे, वो बताने हैं अपन को. बाद में अपन कहेंगे, मैं एक एक्सप्रेशन वगैरह टाइप का भी बना सकता हूं अगर क्वेश्चन में पूछेंगे तो, वरना बताने की अपन को कुछ भी जरूरत नहीं. अपन क्या करेंगे, एटॉमिक मास आपने सिर्फ अल्फा पार्टिकल में चेंज होता है ये बताया अच्छे से. एटॉमिक मास कैन ओनली बी चेंज्ड इन अल्फा पार्टिकल, तो अपन ऐसे लिख लेंगे भाई चेंज इन मास नंबर है ना, इज इक्वल 236 माइनस 208, दैट इज इक्वल टू हाउ मच. अगर अपन इसको लिखेंगे दैट कम्स आउट टू बी 236 माइनस 208 तो 16, ये मेरे पास कितना आ गया 8 और ये इधर तो 2 और ये 0 20. ओके, अगर 28 आया तो मैंने कहा देयरफॉर नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल. भाई एक अल्फा पार्टिकल से कितना मास नंबर में चेंज आता है, 7 आ गया. ये लो भाई 7 आ गया अल्फा पार्टिकल. अब क्या करता हूं, वैसे भी मुझे पता था, मैं कहता ये 236 है ये 208 है, बताओ 4 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि इन दोनों का सम 236 आ जाए, क्योंकि वहां तो जीरो है ऊपर. भाई कंजर्वेशन तो फॉलो करता है, ये तो आपने बताया था कि मास नंबर और एटॉमिक नंबर हमेशा कंजर्व करेगा, तो बड़ा इजी था मेरे लिए. आपने ऐसे ही तो पूछा था मुझसे, मैं क्या करता 236 इज इक्वल टू 208 प्लस x इंटू 4, x का वैल्यू कैलकुलेट कर लेता. ये सब आप क्यों लिख रहे थे, x आता तो ही मैं अब y कर लेता हूं, मतलब अब मैं इसको भी कैलकुलेट कर सकता हूं ना दूसरे वाले से नंबर, क्योंकि यहां तो जीरो है. अब इधर वाले को कंजर्व कर देता हूं तो मेरा काम हो गया. मैं क्या करूंगा 92 इज इक्वल टू 82. अब यहां तो अपन x ले रहे हैं और यहां इसको y ले रहे हैं कि मुझे नहीं पता कितना, तो एक इक्वेशन अपने पास ये आ गया, इससे अपन एक्स कैलकुलेट कर लेते हैं. दूसरे से वाई बता देता हूं, ये 82 है, इधर लिखूंगा प्लस 2x. भाई जितने भी अल्फा पार्टिकल होंगे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस वाई, ये वाई इंटू माइनस वन हो जाएगा ना, ये इक्वेशन 2 होगा. लो भाई एक्स और वाई कैलकुलेट कर देता, हो गया मेरा काम.
एक्स का वैल्यू 7 आया, वाई की वैल्यू कैलकुलेट कर देता हूं, ये कितना आ रहा है 14 प्लस 96, तो ये 4 आना चाहिए, ये 92 है ना, और ये दोनों मिला के 96 आ रहे हैं, तो वो 4 आना चाहिए वाई की वैल्यू। सो एक्स इज इक्वल टू 7, वाई इक्वल टू 4, ये लो यार। तो अगर मान लो मेरे पास ऐसे के बने, ठीक है, यू गॉट इट ना, कैसे बनने कैलकुलेट किया, बड़ा इजी होगा हमारे लिए, कंजर्वेशन फॉलो किया ना आपने, पांच नंबर भी कंजर्व होते हैं और एटॉमिक नंबर भी कंजर्व होते हैं, ठीक। अब मेरे पास एक एग्जांपल ऐसे के बने, इन रेडिएटिव रिएक्शंस मेरे पास ऐसे के बने, दैट इज एक्स कन्वर्ट्स इनटू वाई प्लस एम अल्फा पार्टी, और ये टू होता है, प्लस एन बीटा पार्टी। इसका मास नंबर ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एम एंड एन, कैलकुलेट एक्सप्रेशन फॉर एम एंड एन, तो बन जाएंगे, ये तो वैसे भी आपने लिख तो रखा है सामने, क्या बताना उसको, ये इसकी जगह ए डाल देता हूं, इसकी जगह बी डाल देता हूं, इसकी जगह अब आप एम चाहते हैं, ये अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल में इसकी जगह सी डाल देता हूं, इस डी डाल देता हूं, ये 92 था, इसकी जगह सी डाल देते हैं, इसकी जगह डी डाल देते हैं, एक्स आपने एम कहा है और वाई आपने एन कहा है, लो भाई हो गया। बस अपन को क्या करना है, इधर से एम निकालो और इधर से शूट करके एन इक्वल टू बता देना क्या होगा, बीटा पार्टिकल, जैसे अपन यहां से एम निकाल सकते ना, देयरफॉर एम विल बी इक्वल टू व्हाट, ए माइनस बी डिवाइड बाय, लो भाई, और इधर से n, तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, n will be equal to, n को उधर ले जाते हैं अपन, तो अपन ऐसे कर लेते हैं भाई, n will be equal to d minus c plus 2a, और 2m को ये रख लेते हैं भाई, तो n will be equal to d minus c, that will be equal to plus 2 into m, a minus b divided by 4, लो भाई n आ गया, अब आप बताओ क्या करना, मतलब ए और बी से ही सारे कैलकुलेशन हो जाएंगे, वो अपन को गिवन होंगे, जैसे अभी अपन ने कैलकुलेट किया, ये टाइप ऑफ एमिशंस हैं, इस टाइप से अपन से पूछेंगे कि कभी कभी ऐसे ऑप्शंस में गिवन एक्सप्रेशन बताओ विच एक्सप्रेशन इज करेक्ट, तो अपन एक्सप्रेशन बना के देख सकते हैं, दिस इज हाउ यू कैन मेक द एक्सप्रेशन, और अपन बता सकते हैं कि एक्सप्रेशन क्या होगा। अब इसके बाद अब हमें बात करनी होती है स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस की, क्योंकि जो भी हमें इसमें पढ़ना है अभी, इसके अलावा मिशंस के अलावा हमें स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस थोड़ा डिस्कस करना है, और स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस के अलावा न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन, बस उतना ही पढ़ना है, बाकी रेडियो एक्टिव कंप्लीट चैप्टर नेक्स्ट ईयर पढ़ना होगा, दैट इज इन 12th क्लास। तो पहले अपन क्या करते हैं इसमें पढ़ना, स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस की बात करते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस, अब होता क्या है ना कि जैसे एक एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है ना, स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस, राइट अगर हम सोडियम एटम की बात करें, फिर अपन लिखेंगे इसमें, पहले एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, सोडियम एटम में 11 प्रोटॉन है, 12 न्यूट्रॉन है, 11 प्रोटॉन का मतलब हो गया मेरे पास मास कितना आ जाएगा,
11 इनटू मास ऑफ टोटल 1.672 इनटू 10 के पावर -27 केजी कितना आ जाएगा, और ये आ जाएगा मेरे पास 12 इनटू 1.675 इनटू 10 टू द पावर -27 केजी, ये इसका मास है। और इसके अंदर 11 प्रोटॉन होते हैं, 12 न्यूट्रॉन होते हैं, ये सोडियम। इसका मास जो लेते हैं अपन, दैट इज इक्वल टू 23 AMU लेते हैं, होता है ना एटॉमिक मास यूनिट। और 23 AMU का मतलब है 1.66 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -27। सेवन प्रोटॉन प्लस 12 न्यूट्रॉन will be equal to, अगर इनके मास को ऐड करें, पर मास को ऐड कर रहा हूं मैं, मास ऑफ 11 प्रोटॉन प्लस 12 न्यूट्रॉन विल बी इक्वल टू, चलो देखते हैं एक बार करके, मतलब इन दोनों को ऐड कर रहे हो तो इसमें से कुछ कॉमन ले लेते हैं भाई, 10^-27 तो आ ही जाएगा कॉमन, तो 11 इंटू 1.672 प्लस 12 इंटू 1.675 इंटू 10 के पावर ये सम ऑफ द मासेस ऑफ इंडिविजुअल इन दोनों को एड ज्यादा है, दैट इज द सम ऑफ द मास ऑफ सम ऑफ इंडिविजुअल न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन स्टेबल न्यूक्लियर। तो अपन कहेंगे एक बात है कि भाई मास ऑफ स्टेबल न्यूक्लियर कम क्यों आ रहा है, सम ऑफ द मास ऑफ इंडिविजुअल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन व्हिच इज प्रेजेंट इन दैट न्यूक्लियर, बिकॉज दैट डिफरेंस इन मास इज यूज्ड टू बाइंड अप द न्यूक्लियॉन्स इनसाइड द न्यूक्लियस। मास ऑफ अ स्टेबल न्यूक्लियर इज ऑलवेज लेस then the mass of the neutrons and proton present in that stable nuclei, ये हमेशा होता है कि mass of stable nuclei is always less than the mass of some of the neutron and proton present in the nucleus, अगर उनको individually add करोगे तो उनका mass हमेशा ज्यादा होता है। That difference in mass is used to bind up the nucleus, and that mass in terms of energy is called binding energy, the energy required to bind up the nucleon inside the nucleus। तो अपन ने यहां पर stability of nucleus के लिए एक point पढ़ा, mass उसको delta m से denote करते हैं, मास डिफेक्ट होता है तो मास ऑफ स्टेबल न्यूक्लियर, ऑफ द स्टेबल न्यूक्लियर इज ऑलवेज लेस देन द मास ऑफ द सम ऑफ द मास ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन
in the nucleus. This difference in mass is called mass defect. This difference in mass is mass defect. So, मैंने आपसे कहा भाई डेल्टा एम मास डिफेक्ट क्या होता है, मास ऑफ न्यूट्रॉन प्लस मास ऑफ प्रोटॉन माइनस मास ऑफ स्टेबल न्यूक्लियर, ये आपके सामने लिखा हुआ है एग्जांपल सोडियम. That mass is used in terms of energy to bind the nucleons. और उसी को कहते हैं binding energy. Binding energy. तो अपन क्या कहेंगे binding energy? The energy required to bind up the nucleons, binding of nucleons, nucleons मतलब न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, inside the nucleus is called binding energy. तो फिर ये मास को कैसे कन्वर्ट करोगे एनर्जी में? भाई जो मास डिफेक्ट आया, आप कह रहे हो कि जो डिफरेंस आया ना मास में, इन दोनों में जो डिफरेंस आया वही न्यूक्लियंस को बाइंड करने में यूज करते हैं एनर्जी. तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो अपन कहेंगे हमको एनर्जी को, दैट इज मास को एनर्जी के फॉर्म में बताने के लिए हमको आइंस्टीन ने फॉर्मूला दिया था. बाइंडिंग एनर्जी इक्वल टू होगा डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर. एनर्जी इक्वल टू एम सी स्क्वायर दिया था ना अपन को न्यूटन ने, आइंस्टीन ने. ठीक है भाई, जितना ज्यादा मास डिफेक्ट होगा डेल्टा सी, तो वेलोसिटी ऑफ लाइट है, वेयर सी इज वेलोसिटी ऑफ लाइट, ऑफ लाइट, और वो हम सबको बता होता है कितना होगा 3×10⁸ मीटर पर सेकंड. तो इसका मतलब है बाइंडिंग एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा एम. जितना ज्यादा मास डिफेक्ट डेल्टा एम, इन दोनों के डिफरेंस को आपने डेल्टा एम लिखा, जितना ज्यादा डेल्टा एम उतना ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी, जितना ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी उतना ही ज्यादा स्टेबल. मतलब ज्यादा मास यूज हुआ अगर न्यूक्लियन को बाइंड करने के लिए, binding energy, therefore I can write that binding energy is directly proportional to mass defect. अगर binding energy ज्यादा होगा तो इसका मतलब nucleons are highly, मतलब strongly binded with each other, तो stability of the nucleus will be better. So if I write that, therefore stability of nucleus of nucleus will be directly proportional to binding energy, and binding energy will be directly proportional to mass defect. मतलब अगर mass defect ज्यादा होगा तो binding energy ज्यादा होगा, binding energy ज्यादा होगा तो nucleus ज्यादा stable होगा. अगर टोटल बाइंडिंग एनर्जी हमें गिवन है मान लो 10 किलो जूल, तो पर न्यूक्लियन कितना आएगा? तो अपन कहेंगे कितने न्यूक्लियन हैं? 23. ठीक है, 10/23 कर दो तो एक न्यूक्लियन कितने एनर्जी से बाइंडेड है बता देंगे, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन. तो टोटल बताओ कितनी है तो बता देता हूं. टोटल कैसे कैलकुलेट करते हैं? मास डिफेक्ट से. मास डिफेक्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं? ये है आपके पास, आप एटम बता दो, मास डिफेक्ट खुद ही कैलकुलेट कर लेंगे, क्योंकि आपको ये वैल्यू थोड़ी बताने की जरूरत है. व्हाट इज मास ऑफ प्रोटॉन, व्हाट इज मास ऑफ न्यूट्रॉन,
तो हमें खुद ही पता है AMU कितना होता है, वो हमें खुद ही पता है। तो अगर हमें कोई वर्ड बोलता है भाई मास डिफेक्ट वी आर एबल टू टेल, बाइंडिंग एनर्जी वी आर एबल टू टेल, और अगर प्रिंसिपल बोलता है कि भाई व्हाट इज स्टेबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियस तो बता देंगे। अभी ये स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस संबंध में बाइंडिंग एनर्जी और मास डिफेक्ट से बताया। स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस कैन ऑल्सो बी डिस्कस्ड बाय न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो से भी बता सकते हैं, वो अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। द स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस बाय न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो, वो अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आप एक्सरसाइज 2 कंप्लीट कर दो पूरा, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। पार्ट 1 वैसे काफी सारा हमने सॉल्व कर रखा था, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। That is all for today. ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। ओके, थैंक यू।